हेलो एवरीवन, आज है 22 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज एक बहुत बड़ी रैली जरूर देखने को मिली है। तकरीबन 7% तक ये शेयर उछल चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इस तेजी की वजह क्या है और खरीदारी इस प्राइस पर करनी चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो प्रीवियस क्लोज था वो 3 रुपए 70 पैसे था, ओपन 3 रुपए 90 पैसे पर हुआ। 4 रुपए 5 पैसे का लो बनाया और वो स्टार्टिंग में ही बनाया जब ओपन हुआ तब। बाद में वापस से नीचे शेयर धस भी गया और धीरे धीरे ऊपर उठा और अभी तकरीबन तकरीबन 3 रुपए 95 पैसे के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हुआ यह है कि जैसे हम सबको पता है कि वोडाफोन आइडिया को एक बहुत बड़ा पैसा चुकाना है टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, चाहे वो स्पेक्ट्रम की फीस हो, एजीआर ड्यूज जो है उसका एक बहुत बड़ा पैसा चुकाना है। तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा है ये। तो आज खबर आई है कि भैया वोडाफोन आइडिया का शेयर 9% इसीलिए गया क्योंकि ऑपरेटर्स जो है उन्होंने 1,365 करोड़ रुपए के आसपास का जो पैसा है वो चुकाया है ऑपरेटर्स ने टॉवर्स लाइसेंस फी एंड स्पेक्ट्रम चार्जेस। देखिए, शेयर ऑफ वोडाफोन आइडिया क्लेम ओवर 9% इन वेडनेसडे ट्रेड आफ्टर द टेलीकॉम ऑपरेटर पेड रुपीज 1,367 करोड़ टू द गवर्नमेंट टॉवर्स लाइसेंस फ्री एंड स्पेक्ट्रम यूजर्स चार्ज पेमेंट फॉर द मार्च 2020 क्वार्टर। तो देखिए, पैसा बहुत बड़ा चुकाना है, लेकिन उसमें से 1,367 करोड़ रुपए का पैसा इन्होंने चुकाया है। इससे पहले भी इन लोगों ने पैसा चुकाया था, तकरीबन अगर हम कह सकते हैं तो भैया 6,000-7,000 करोड़ रुपए चुकाए थे, लेकिन इसके बावजूद अभी भी इनको 45, ये जो पैसा चुकाए उसके बावजूद भी तकरीबन 45,000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक का पैसा इनको गवर्नमेंट को चुकाना है। वो एजीआर ड्यूज मतलब लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम चार्जेस, इन सबका मिलाकर अभी भी और बहुत बड़ा पैसा इनको चुकाना है जो बाकी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करने जाए कि भैया वोडाफोन आइडिया में अगर हम पिछले एक महीने का डेटा देखें तो पिछले एक महीने में वोडाफोन आइडिया के शेयर में 14% का ग्रोथ जरूर है। 3 रुपए 4 पैसे के ऊपर शेयर टूट गया था, बाद में रैली आई, 4 रुपए 24 पैसे तक पहुंचा शेयर, 4 रुपए 25 पैसे तक पहुंचा, फिर गिरावट आई 3 रुपए 71 पैसे, अब फिर से आज रैली यहां पर जरूर आई है। उससे पहले पिछले एक साल की हम बात कर ले तो 77% तक की गिरावट है। 17 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया है, बाउंस बैक किया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस बैक किया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस बैक किया, अभी वापस नीचे की तरफ शेयर गया हुआ है। 10,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, मिड कैप स्टॉक है ये, एनएससी में अगर हम देखें तो 35 से 36 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है, काफी हाई वॉल्यूम ट्रेड है अभी, क्योंकि भैया पैसा थोड़ा बहुत चुकाया है। लोगों को लग रहा है कि भैया अब धीरे धीरे वोडाफोन आइडिया में जान आ रही है, शेयर वापस से काफी ऊपर उछल जाएगा, कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए, ये सोचकर लोग क्या कर रहे हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं। और यहीं पर आप देखिए, अगर मैं शेयर होल्डिंग की भी बात करूं तो प्रमोटर के पास 18.48% की होल्डिंग है और ये लेटेस्ट डेटा है मार्च 2020 का। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर कांस्टेंट है, प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन सब लोग यहाँ पर शेयर बेच रहे हैं। एफआईज की बात करें तो भैया जो पहले 12.52% होल्डिंग थी अब वो 8.82% है, बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईज ने यहाँ पर बेची है। म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 6.05% की होल्डिंग थी अब वो 4.52% है, म्यूचुअल फंड ने भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग बेची है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पहले 1.45% की होल्डिंग थी अब वो 1.34% की होल्डिंग है, तो इन्होंने भी थोड़ी बहुत होल्डिंग बेची जरूर है। 51 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 212 एफआईएस ने पैसा लगाया है। यहाँ पर देखिए प्रमोटर कौन है हाई, तो भैया ग्रासिम इंडस्ट्रीज है जिनके पास 11.55% की होल्डिंग है, इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 10.48% की देखने को मिली है, डिविडेंड 2016 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करने जाए तो वोडाफोन आइडिया में टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल जरूर है, लेकिन अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 3% लोग यहां पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो भैया कर्जे की अगर मैं बात करूं तो 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है और गवर्नमेंट को चुकाना है जो 50,000 वो अलग से, तो कर्जे के बोझ के तले दबी हुई है कंपनी है और मुनाफा भी नहीं कमा रही है। दिसंबर क्वार्टर में 6,500 करोड़ का लॉस, सितंबर में 50,000 करोड़ का लॉस, जून में 5,000 करोड़ का लॉस, मार्च में फिर से 5,000 करोड़ और दिसंबर 2018 में फिर से 5,000 करोड़। तो एक क्वार्टर ऐसा नहीं है जिसमें कंपनी ने 1 रुपया भी कमाया हो, एक क्वार्टर ऐसा नहीं, बल्कि भैया पैसा यहाँ पर गवाया है और कर्जा जो है वो बढ़ता जा रहा है। बैंकों से लिया हुआ कर्जा क्या होगा, ब्याज बढ़ता जाएगा उसका और पैसा बढ़ेगा। गवर्नमेंट को जो पैसा इनको चुकाना है एजीआर ड्यूज,
वो भी काफी हद तक यहाँ पर बढ़ रहा है। भले ये लोग यहाँ पर चुकाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट है ये, बहुत बड़ा अमाउंट, और सरकार की तरफ से इनको कोई राहत मिलने वाली है नहीं, क्योंकि भैया सुप्रीम कोर्ट ने तो सिरे से खारिज कर दिया था कि भैया हम आपको जो कर्जा है एजीआर ड्यूज का, वो तो आपको चुकाना ही चुकाना है, अगर आप नहीं चुकाएंगे तो हम आपको जेल में भी डाल सकते हैं। तो भैया पैसा तो चुकाना है ये, ठीक है, धीरे धीरे करके पैसा ये लोग चुका रहे हैं, लेकिन कर्जा बहुत है और वक्त इनके पास बहुत कम है। और वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो रिलायंस जियो और एयरटेल के सामने मुझे नहीं लगता कि वोडाफोन आइडिया कहीं स्टैंड कर पाती है। सर्विसेज मैं मानता हूँ कि काफी बढ़िया है वोडाफोन आइडिया की, लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, अगर हम बात करें पैसे की, अगर हम बात करें फंडिंग की, तो वो वोडाफोन आइडिया के पास नहीं है। इसी के चलते वोडाफोन आइडिया के जो सब्सक्राइबर्स है, जो यूजर्स है, वो क्या कर रहे हैं, वो एयरटेल और रिलायंस जियो में स्विच हो रहे हैं, लोग नेटवर्क छोड़ के जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के लिए। देखिए वोडाफोन आइडिया मैं मानता हूँ हाईली रिस्की शेयर है, और सिर्फ न्यूज के आधार पर ट्रेड कर रहा है। अगर अच्छी न्यूज आ गई, जैसे कि आ जाए कि भैया पैसा थोड़ा सा चुकाया है, शेयर में तेजी आ गई, कल को अगर वापस से एक और न्यूज आ गई कि भैया टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने इनको फटकार लगाई है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि पैसा क्यों नहीं चुका रहे, पूरा का पूरा पैसा वापस से नीचे गिर जाएगा, तो मैं यही कहूंगा कि वोडाफोन आइडिया में पैसा लगाना हाईली रिस्की है, तो रिटेल निवेशक तो इससे दूर ही रहे, और मैं भी इसमें पैसा तो बिल्कुल भी नहीं डालने वाला हूँ। मैं बेटर है कि मैं दूसरी कंपनियों में पैसा यहाँ पर लगाना पसंद करूंगा जो कोरोना के चलते ऑलरेडी काफी ज्यादा कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल है, तो मैं उनके ऊपर दाव लगाऊंगा, ना कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर। तो मैं यही कहूंगा कि देखो आज की तेजी है, शायद हो जाए कि कल भी इसमें थोड़ी बहुत तेजी आ जाए, लेकिन बाद में शेयर वापस जैसे पहले था थोड़ा बहुत नीचे ही गिरेगा। अगर एक दो दिन की तेजी आएगी तो 3-4 दिन की गिरावट के लिए भी आपको यहाँ पर तैयार रहना पड़ेगा। तो बाकी मर्जी आपकी है, अगर आपको रिस्क लेना है, आपको लगता है कि वोडाफोन आइडिया स्टैंड आउट कर पाएगा, इतना बड़ा पैसा जो है वो चुका पाएगा और मार्केट में टिक पाएगा, तो आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इसे दूर ही रहूंगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।